प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जनसुनवाई कर रहे हैं, फरियादियों की समस्या सुनी जा रही है। मंत्री जी, किस किस तरह की समस्या सुनी गई है, क्या क्या समस्या लेकर लोग? देखिए, समस्याएं तो अलग, किसी के बिजली की, किसी के पानी की, किसी के नगर निगम की, अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याएं आती है। और इस जनसुनवाई के पीछे कांग्रेस पार्टी का सोच भी यही था कि जो भी लोग, चाहे सचिवालय नहीं जा पाते हों, मान लो मंत्रियों के घर पे भी जनसुनवाई होती है, वहाँ पे भी अगर मान लो उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो सारे लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और हम लोग हर रोज़ एक मंत्री यहाँ बैठता है कांग्रेस कार्यालय, और वो सभी विभागों की समस्याओं की जनसुनवाई करते हैं। जो समस्याएं आती है, अगर मेरे विभाग से संबंधित है, उसको मैं मेरे लेवल पे सॉल्व करता हूँ। जो दूसरे विभागों की समस्याएं हैं, उनको हम संबंधित मंत्रीगण को भेजते हैं। मंत्री जी, आज दिल्ली में तमाम सीए को लेकर तमाम विपक्षी दल की बैठक है। मायावती, ममता जी पहले ही बहिष्कार कर चुके और आम आदमी पार्टी ने भी आने से मना किया। देखिए, तो जिस तरह का वातावरण एनआरसी और सीएए को लेकर पूरे देश में बन रहा है, ये आग लगाने का काम हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। आप धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की साजिश सही है, और इस देश में आम आदमी को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी व्यवस्था को। लगातार वहाँ पे आसाम के अंदर एनआरसी की इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, 19 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए, 16 लाख उनमें से हिंदू थे, 3 लाख माइनॉरिटी के लोग थे। आज आसाम के अंदर बार बार देश के प्रधानमंत्री को दौरा क्यों रद्द करना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए या केंद्र सरकार बताए? जाने की हिम्मत नहीं हो रही है प्रधानमंत्री की। आग लगी हुई है पूरी नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के मुख्यमंत्री वो पब्लिक में जाते हैं तो इतनी सिक्योरिटी के बीच में जा रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बन गया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है। आसाम का सच केंद्र सरकार देश को बताए कि वहाँ क्या कठिनाइयाँ इनको आ रही है लागू करने में। अगर एक प्रांत में जहाँ सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आपने एक काम किया है, वहाँ आप इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश में आग लगाने का काम क्यों कर रहे हैं लोग? देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।